चलो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट है ना, क्लियर बोलो सारे के। तो तर्जा बजाता है कहाँ रे बंदर, कस के बजाना, बोल दे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे पास चल कर खुद समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। ऐसा करते हो यहाँ जानते, तू लोग भी बजा, तू लोग भी बजा, चलो बंद कर बंद कर बंद कर, चल यहाँ ध्यान दे, चल यहाँ ध्यान दे। पढ़ना कौन चाहिए, क्लास टेंथ का फिजिक्स का भौतिक विज्ञान, क्या है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, अरे उसका हिंदी वही ना होता है, चैप्टर वन, चैप्टर चैप्टर वन में हम पार्ट वन बता चुके हैं, पार्ट वन ना बता चुके हैं, अरे कल ना बताते पार्ट वन, 25 मिनट का, 30 मिनट का लगभग पूरा दिए, बताए थे पार्ट वन। आज कौन सी चलेगा, पार्ट टू, क्या चलेगा, यानी पार्ट टू चलेगा आज, जब तक समाप्त ना होगा तो पार्ट वन पार्ट टू देते रहेंगे, ये कौन सी हो जाएगा पार्ट टू, क्या होगा पार्ट टू। हिंदी में चैप्टर वन का नाम क्या है, प्रकाश का प्रावर्तन, प्रकाश का प्रावर्तन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश, प्रकाश का प्रावर्तन, देखो उल्टा हिंदी में सीधा पढ़ना है और इंग्लिश में उल्टा पढ़ना है, इधर देखो प्रकाश का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो देखो लाइट मतलब प्रकाश, ऑफ मतलब का, रिफ्लेक्शन मतलब प्रावर्तन, यानी प्रकाश का प्रावर्तन, हिंदी में इंग्लिश में उल्टा ना हो गया उल्टा। फिर यहाँ पर तुम लोग को बताया था कि माई अदर चैनल, एक हम दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम क्या है, जगदेव ब्लॉग, क्या है तुम लोग के लिए खास कर लिया है कि मेरा दूसरा चैनल का नाम है जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना, उसमें मेरा फोटो लगा रहेगा चश्मा वाला, मेरा फोटो देख कर सब्सक्राइब करना क्योंकि और चैनल है इस नाम से, ठीक है ना, फोटो पहचानते हैं सब, तुम लोग पहचानते हैं ना, जगदेव ब्लॉग, जगदेव जगदेव ब्लॉग को सब्सक्राइब करना है, इस पर जो कला से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन रहेगा ये इसी पर मिलेगा और अलग जो मस्ती उस्ती होगा सब इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये पर्सनल नंबर नहीं है, कॉल करने के लिए नहीं है, सिर्फ मैसेज करने के लिए, अगर कोई फोटो वोटो कोई दिक्कत हो कोई क्वेश्चन उच्चन में तो उसका फोटो भेज सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है लेकिन व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप मेरा इसी से बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये लिख लो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या फिजिक्स, पहले पहले हम क्या पढ़ाए कुछ समझ ले, पहले पढ़े पढ़ाए थे फिजिक्स, क्या पढ़ाए थे फिजिक्स यानी भौतिकी, फिजिक्स यानी क्या बताते हैं, भौतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, भौतिकी में अध्ययन करते हैं किसी भी पदार्थ का बाहरी बनावट, बाहरी बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स, क्या बोलते हैं, अंदर घुस के जब चीर फाड़ के अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी हो जाएगा, डॉक्टर डॉक्टर क्या करता है, बायोलॉजी में पढ़ा रहता है। और फिजिक्स में एक चीज़ का अध्ययन और हम करते हैं, क्या करते हैं तो बताते हैं प्रकृति के बारे में, प्रकृति के, प्रकृति के बादल क्यों बनता है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, सूर्य सुबह एवं शाम लाल क्यों दिखाई देता है, दोपहर के समय सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, न बताए थे। फिर चंद्रमा के बारे में बताए थे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है ना, वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्यों होता है, तो प्रकृति के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में फिजिक्स में। फिर बताए थे फिजिक्स में जिसका योगदान रहा उसको बोलते हैं जनक, क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारा योगदान रहेगा तो तुम्हारा तुम बन जाएगा जनक, लेकिन तुम लोग तो लेवे करते हैं, योगदान कहाँ से रहेगा, योगदान रहेगा तो कुछ ही रहेगा। तो देखें यहाँ पर फिजिक्स में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा उसको क्या बोलते हैं, जनक, क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं पिता, क्या बोलते हैं। तो प्राचीन समय में यानी बहुत पहले, बहुत पहले सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो न्यूटन का, किसका था, फिजिक्स में हम बोल रहे हैं, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा, इस तरह हिस्ट्री का अलग, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना, तो हम बोल रहे हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा किसका योगदान था, तो न्यूटन का, किसका था, न्यूटन का पूरा नाम क्या बताते हैं, सर आइज़क न्यूटन, सर आइज़क न्यूटन का। तो फिजिक्स का प्राचीन पिता बोल दिए कौन है, तो न्यूटन है, कौन है। फिर आधुनिक समय में यानी अभी के समय में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा किसका योगदान था, अल्बर्ट आइंस्टीन का था, किसका था, तो हम लोग बोल दिए कि यही कौन चीज है, आधुनिक पिता है, क्या है, आधुनिक पिता, यानी आधुनिक पिता का जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ए पगली कहाँ ध्यान है, आधुनिक पिता का जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट। फिर कोई तो इस तरह भारत में भी आदमी होगा, भारत में भी कोई इस तरह आदमी होगा जो भारत में सबसे ज़्यादा उसका योगदान होगा, अरे तो वर्ल्ड में हो गया ना, भारत में भी कोई इस तरह आदमी होगा ना जिसका भारत में सबसे ज़्यादा योगदान उसी का होगा फिजिक्स में, तो वो कौन था, वो था सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ, तो उसको बोलते हैं अति भौतिकी का भारतीय पिता, भौतिकी का, भौतिक भौतिकी का भारतीय पिता, यानी भौतिकी का भारतीय जनक, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर तुम लोग को बताए थे, फिर तुम लोग को क्या बताए थे, फिर तुम लोग को क्या बताए थे, बताए थे हम कि प्रकाश क्या है, प्रकाश हुआ कारक, कोई काला चीज़ है, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता हम किसी वस्तु को, प्रकाश न रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं,
प्रकाश न रहेगा तो किसी वस्तु को हम देख सकते हैं न, तो बताया प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये किसी है उसका परिभाषा है, ऐसा मानव प्रकाश जो कभी गायब कर देते हैं, हालांकि कोई वस्तु दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता हम किसी वस्तु को रोक तो यहाँ पर प्रकाश गायब हो गया, तब क्या हो गया, क्या बोले, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता किसी वस्तु को हम देख सकते, किसी वस्तु को हम, अभी हम प्रकाश को हटा दिए थे तो कोई कुछ दिखाई दे रहा था, यूट्यूब वाला तुम लोग को कुछ दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता हम किसी वस्तु को, फिर बताए थे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का नहीं बताए थे, तो ऊर्जा को हम क्या करते हैं एक रूप से दूसरा रूप में बदल सकते हैं, तुमको कल एग्जाम्पल भी दिए थे, तुम्हारा लड़का है सारी फराक उड़ा पहना देंगे, टुकली उकली लगा देंगे, कर्मबालू की पहना देंगे तो क्या बन जाएगा, लोंडा बन जाएगा, तो तुम बदल गया है क्या, एक रूप से दूसरा रूप में, उसी प्रकार प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा है, क्या है प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा है, क्या है, तो प्रकाश को भी एक रूप से दूसरा रूप में बदल सकते हैं, ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरा रूप में लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकते, उसे नष्ट नहीं, ऐसा प्रकाश को बदलना है मान लो दूसरा रूप में, देखा क्या सोलर प्लेट रख देंगे प्रकाश में, रख देंगे सोलर प्लेट, जैसे सोलर प्लेट रखेंगे तो उस पर जितना ही प्रकाश पड़ेगा सोलर प्लेट उसको क्या करेगा, दो थप्पड़ देगा, कहेगा बदल जाए करंट में, करंट में बदल जाएगा, किसे बदल जाएगा करंट में, तो क्या हुआ प्रकाश ऊर्जा बदल गया, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा बदल गया, इतना कोई तक कोई दिक्कत इसे पढ़ा चुके हैं ना, फिर बताया तुम लोग कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में जाते हैं, हमेशा सीधी रेखा में, मान लो यहाँ पर तुम्हारा घर प्रकाश, इधर से हम लाइट मारे टॉर्च, क्या मारे टॉर्च का लाइट मारे, तो यहाँ तुम्हारा घर आ गया तो कहेगा कहा लगे घर, इधर से मुड़ के चल जाएगा कि इतना होशियार है, इधर से मुड़ के चल जाएगा कि, या मेरे सामने आ गए तो हम सामने आ गए तो कहेगा सामने कहा लगेगा, मुड़ के चल जाएगा कि इधर इधर से जाएगा, नहीं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है, प्रकाश हमेशा, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, फिर आगे कुछ पढ़ाए थे, हाँ पढ़ाए थे फिर कि वस्तु का प्रकार में क्या बताए थे, कि वस्तु का प्रकार ने बताए थे, देखो धुंधला नहीं हो रहा है को देखना, वस्तु के प्रकार ने बताए थे कि प्रकाश के उत्पत्ति के दृष्टि से, प्रकाश के उत्पत्ति के, यानी वस्तु दो प्रकार का होता है, वस्तु दो प्रकार का होता है, ए बंदर अब यहाँ ध्यान ना, प्रकाश की उत्पत्ति की दृष्टि से वस्तु दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार का, एक बताया था जो प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे बोलेंगे प्रदीप्त, क्या बोलेंगे, एक प्रकाश उत्पन्न जो करेगा उसे क्या बोलेंगे, और एक प्रकाश जो उत्पन्न नहीं करेगा वो क्या बोलेंगे, हम लोग प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो प्रदीप्त की अप्रदीप्त, हम लोग अप्रदीप्त, हम लोग जो प्रकाश उत्पन्न करेगा, जो प्रकाश, अच्छा एक देखते हैं तुम लोग कौन कीड़ा रहता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसका नाम क्या है, हाँ जुगनू, तो जुगनू क्या है बता, अप्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है, जुगनू क्या है, प्रदीप्त या अप्रदीप्त, तो प्रदीप्त है क्या कि प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो जो प्रकाश उत्पन्न करेगा वो प्रदीप्त है, जो नहीं करेगा वो अप्रदीप्त, जैसे बताए थे प्रदीप्त में क्या बताए थे, सूर्य ले ले, सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है तो सूर्य का प्रदीप्त, तारा होता है, तारा प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य भी क्या है, तारा है, सूर्य भी क्या है, लालटेन, मोमबत्ती, लैंप, बल्ब, टॉर्च, ये सब नहीं बताए थे, लेटर उटर सब बताए थे, ये सब क्या है, प्रदीप्त, क्या है प्रदीप्त, और ओ प्रदीप्त में तो भरा हुआ है जिसका नाम लिख दे, गाय भैंस गधा घोड़ा बकरी ईटा पत्थर कलम कॉपी जितना जितना लिखा लिख ले, हो गया ना, लेकिन नोट में बताए थे, नोट में हम बताए थे क्या, चंद्रमा भी प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो सूर्य के प्रकाश ले रहता है और चमकता है, खुश हो जाता है सूर्य के प्रकाश लेके, लेकिन उसका अपना प्रकाश है कि, हाँ तुम किसी का 10 रुपया छीन लिया बोलेगा मेरा पैसा है तो तुम्हारा हो जाएगा, उस प्रकार चंद्रमा का अपना प्रकाश ना है, सूर्य का प्रकाश लेता है, किसका लेता है, और उसके बाद चमकता है, तो चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है, अप्रदीप्त है, उसी प्रकार पृथ्वी से प्रकाश निकलता है क्या, तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तो अगर पृथ्वी से प्रकाश निकलता तो फिर तो रात तो होबे नहीं करता, होता रात, तो पृथ्वी भी क्या है, अप्रदीप्त, पृथ्वी में प्रकाश, इसी प्रकार जितना भी ग्रह है, चाहे वो बुध हो या शुक्र हो या पृथ्वी हो या मंगल हो या बृहस्पति हो या शुक्र हो या अरुण हो या वरुण हो, जितना भी ग्रह है सब क्या है, अप्रदीप्त, क्या है, इतना तक कोई दिक्कत, इतना तक पढ़ा चुके हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप पढ़ना है किरण पुंज के बारे में, क्या किरण पुंज, किरण पुंज देखो किरण समझता है तुम लोग, किरण समझ रहा है ना, किरण मतलब ऐसे लाइट मारते हैं ना ऐसे, तो जो किरण निकलता है वो क्या है, प्रकाश जो निकलता है वो क्या है, किरण, क्या है, किरणों लिख देंगे तो बहुत सारा किरण भी हो जाएगा, तो देखा किरण, अब पुंज मतलब गुच्छा, पुंज मतलब ऐसे अंगूर का गुच्छा, तो बता अंगूर के गुच्छा में एक अंगूर रहता है, अंगूर के गुच्छा में एक अंगूर नहीं रहता है, तो पुंज मतलब गुच्छा, पुंज मतलब, तो बता जब यहाँ पुंज मतलब हो गया गुच्छा, तो एक किरण होगा कि,
एक किरण मिलकर गुच्छा बना लेगा? एक किरण मिलकर गुच्छा बना पाएगा? यहाँ पे क्या होगा, किरणों के समूह हो जाएगा। किरणों का किरण पुंज मतलब क्या, किरणों का समूह। ऐसे अंगूर पुंज, ऐसे पुंज मतलब क्या, गुच्छा। तो अंगूर पुंज मतलब अंगूरों का समूह, अरे अंगूरों का समूह ना होगा। गधा पुंज यानी गधा का समूह ना होगा। उस पर किरण पुंज यानी किरणों का ना होगा, अरे किरणों का, ये जगह किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मतलब गुच्छा, पुंज मतलब किरण पुंज कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ नीचे, कहते हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ कुछ ना? अब किरण पुंज जो हो तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज तीन प्रकार का, कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, ठीक है। यानी अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ शांत से बैठ और देख, किरण पुंज कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे, एक होता है अभिसारी। क्या होता है अभिसारी किरण पुंज? क्या होता है अभिसारी किरण पुंज? अभिसारी किरण। दूसरा होगा समांतर किरण पुंज। क्या होगा? समांतर किरण पुंज, समांतर, समांतर। और तीसरा होगा अपसारी। क्या होगा? अपसारी। क्या होगा? अपसारी किरण पुंज। क्या होगा? अपसारी किरण पुंज, ये हो गया तीसरा। क्या हो गया? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। अभिसारी इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग। क्या होता है? डाइवर्जिंग। क्या होता है? ठीक है ना। उसके बाद रे बीम, किरण पुंज का इंग्लिश होगा रे अबीम। तो उतना ही लिखते, डी लिखते डाइवर्जिंग। समांतर का हो जाएगा पैरेलल। क्या हो जाएगा? समांतर यानी पैरेलल, समांतर यानी। और अपसारी का होता है क्या? कन्वर्जिंग। क्या होगा? सी फोर कन्वर्जिंग, सी फोर कन्वर्जिंग। और किरण पुंज के लाइट बीम, लाइट बीम, ठीक है ना, या रे बीम बोल दे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? यहाँ ध्यान दे, अभिसारी किरण पुंज अभी अच्छा तरह समझाएंगे हम, एग्जांपल देके पहले यहाँ समझ ले। अभिसारी किरण पुंज मतलब क्या होगा कि फैल कर आएगा, फैल कर और एक बिंदु पर मिल जाएगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा। जब एक बिंदु पर मिले तो क्या है? अभिसारी। क्या है? अभिसारी। जब एक बिंदु पर मिले तो क्या है? अभिसारी। जैसे मान लें यहाँ पर इधर से आया प्रकाश, सब फैल कर आ रहा है ना, सब फैल के आ रहा है, सब फैल के आ रहा है, अरे फैल के आया, सब यहाँ मिल गया ना, मिल गया, तो ये कौन किरण पुंज है? अभिसारी। ये है अभिसारी, क्योंकि देखो फैल कर आ रहा है, किसके फैल कर आ रहा है ना, और एक बिंदु पर आकर मिल गया ना, ये क्या हो गया? अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। समांतर मतलब हो गया पैरेलल, समांतर मतलब यानी ना जो ना जो फैल कर फैल के ना आएगा और नए बिंदु पर मिलेगा, नए बिंदु पर। देखो ये समांतर चलेगा, क्या चलेगा? समांतर। क्या चलेगा? समांतर। ये क्या चलेगा? समांतर। ये समांतर चलता है, बोलता है हम नहीं मिलेंगे, समांतर चलेंगे। क्या बोलता है? समांतर चलेंगे। तो समांतर जाना सब दूसरे का। समांतर मतलब होता है कि एक दूसरे की दूरी हमेशा समान हो, दूसरे एक दूसरे के बीच की दूरी हमेशा समान हो, हमेशा। तो इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर मतलब क्या होगा कि वो दोनों कभी दूसरे बताए, ये दोनों को बढ़ाएंगे कितनों दूर बढ़ाएंगे, कभी कभी एक दूसरे काटेगा, सीधा ले जाएंगे दोनों को, हम सीधा ले जाएंगे, कभी एक दूसरे काटेगा। तो समांतर मतलब होता है कि वो दोनों रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटे और दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान हो। तो इसको कहीं भी ले चल जाएंगे बढ़ा के, हम सीधे बढ़ा के ले चल जाएंगे, कभी एक दूसरे काटेगा और दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान होगा ना, जिसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? अपसारी मतलब क्या हुआ? अपसारी मतलब हुआ इसका जस्ट उल्टा, इसका कहेगा अभिसारी का उल्टा शब्द क्या होता है? तो अपसारी। अभिसारी का उल्टा शब्द क्या होता है? अपसारी। क्या होता है? तो एक बिंदु पर मिला, लेकिन कहेगा हम एक बिंदु पर मिलेंगे ना, एक बिंदु से भागेंगे, एक बिंदु से यानी एक बिंदु से निकल कर फैल जाएगा, एक बिंदु से निकल कर फैल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? एक बिंदु से निकलेगा और फटाफट भागने लगेगा सब अपना अपना घर, एक बिंदु से निकल कर क्या करेगा? फैल जाएगा। एक बिंदु से निकल रहा है अब फैल गया, ऐसे था, ऐसे हो गया, फैल गया, ये कौन सी हो गया? अपसारी। क्या हो गया? अपसारी। क्या हो गया? अपसारी, ठीक है ना। अब यहाँ सिंपल समझ, तुम लोग कोई लोग बताते हैं तो बोलेगा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिल जाए, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर उसे अभिसारी कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैल जाए, जो एक बिंदु से निकल कर उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं ना, कहते हैं।
और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जो समांतर चलता हो, जो समांतर समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब तुम लोग एक एग्जांपल समझो, तुम लोग स्कूल जाते हैं सब, तुम लोग से क्या करता है सब? स्कूल जाता है, ये हो गया तुम्हारा स्कूल, स्कूल हो गया गोल मटोल, क्या हो गया गोल मटोल बना दिए ना, क्या है स्कूल, क्या है स्कूल है। अब बता स्कूल जब जाता पढ़ने तो खाई तो भी लग जाता पढ़ने की, हर दिशा से चाहे वो पूरब से हो या पश्चिम से हो या उत्तर से हो या दक्षिण से हो, हर दिशा से सब कहाँ जाके मिलता है, तो सब फैल कर आ रहा है ना, फैल के नहीं आ रहा है, कोई पूरब से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, सब फैल कर आ रहा है। और कहाँ जाए कौन बिंदु पर जाकर मिल जाता है, तो स्कूल कहाँ मिलता है, तो उसी प्रकार देखो फैल कर आ रहा है और एक बिंदु पर मिल गया, उसी प्रकार तुम लोग स्कूल में सब हर गाँव से फैल कर आता है और एक बिंदु पर मिल जाता है, एक बिंदु पर। तो क्या हुआ बता, स्कूल में हम लोग गए पढ़ने, तो एक बिंदु पर जाकर मिल गए ना, सब दोस्त मिल गए एक बिंदु पर, ना मिल गए तो क्या हुआ, अभिसारी हुआ कि समांतर लोग, अभिसारी हुआ, अभिसारी। अब तुम लोग स्कूल में क्या करेगा, छुट्टी हो जाएगा, गलत मतलब गया छुट्टी हो जाएगा, प्रार्थना कौन करेगा, प्रार्थना कौन करेगा, अरे प्रार्थना कौन करेगा। अब बता, अब मास्टर साहब कहेगा कि प्रार्थना में लग जाओ, लाइन में प्रार्थना में लग जाओ, तो लाइन कैसे लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है लाइन, हम लोग ऐसे लगते हैं लाइन, लग गए लाइन नहीं लगते हैं, अरे तो लाइन स्कूल में लगा था, लाइन हमेशा ऐसे ही लगता है, ऐसे ऐसे। बताइए कौन किरण पुंज बन गया, जब तुम लोग प्रार्थना करेगा तो कौन किरण पुंज, जब तुम लोग प्रार्थना करेगा तो कौन किरण पुंज, समांतर बन जाएगा, ना बन जाएगा समांतर। तो जब स्कूल में सब आएगा तो एक जगह जमा हो जाएगा, तो कौन चीज अभी सारी, कौन चीज मास्टर साहब बोलेगा कि सब लाइन में लग जाओ प्रार्थना करो, तो लाइन में लग जाएगा इस तरह, लाइन में दिखाई दे रहा है, नहीं बोला दिखाई दे रहा है, मास्टर साहब बोलेगा सब लाइन में लग जाओ, क्या बोलेगा, तो लाइन में लग, लाइन में इस तरह लग जाएगा, इस तरह लग जाएगा ना, तो सर एक दूसरे के समांतर लग गया, तो समांतर किरण पुंज क्या हो गया। अब पढ़ाएगा लिखाएगा तुम लोग को, थोड़ा पीटेगा, थोड़ा मुर्गा बनाएगा तुम लोग को, उसके बाद क्या करेगा, छुट्टी, क्या बोलेगा, टन 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 घंटी बजेगा, घंटी बजेगा ना, जैसे घंटी बजा तो स्कूल क्या था, एक बिंदु स्कूल क्या था, जैसे घंटी बजेगा सब एकदम बोरा बिस्तर लेगा, दौड़ना शुरू, दौड़ना तो वहाँ से फैल जाएगा ना, ना फैलना शुरू कर दिया। और जैसे छुट्टी होता है तो सब एक जगह बैठा रहता है कि सब एक दिन चल जाता है, एक दिन चल जाता है, वहाँ से फिर क्या होगा, सब फैलना शुरू हो गया, फैलना सब फैल जाता है, फिर तो फैल गया तो कौन किरण पुंज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कभी भूलेगा जिंदगी में, तुम लोग कभी भूलेगा जिंदगी में, भूलेगा जिंदगी में, तो समझ गया ना, तब लिख देते हैं, लिख दें वैसा किरण पुंज, वैसा अगर भूलिए जाएगा तो स्कूल वाला एग्जाम्पल आज रहेगा ना, बोल देना ठीक है ना, वैसा किरण पुंज, वैसा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा जो एक बिंदु पर, जो एक बिंदु पर आकर मिलती हो, एक बिंदु पर आकर मिलती हो, एक बिंदु पर आकर मिलती हो, क्या कहलाएगी, कहलाएगी अभिसारी किरण पुंज, मिलती हो अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। उसके बाद ये वाला एम्बुलेंस से तुम लोग को बल्ती कर देंगे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर बोलेंगे फिर वैसा किरण पुंज, वैसा वैसा किरण पुंज, वैसा जो क्या मिलता है एक बिंदु पर, क्या कि एक बिंदु से फैलता है ना, समांतर हो जाता है, क्या हो जाता है, तो वैसा किरण पुंज, वैसा ऐसा। अभी हम तुम लोग को यहाँ से आया था, एक बिंदु पर जमा हो गया सब, अभी सारी बन गया है सब, ऐसे ऐसे लाइन में ऐसे सीधा सीधा बैठ गया, बैठ गया ना, तो समांतर बन गया है, छुट्टी देंगे तो एक दूसरे यहाँ से फटाफट तुम लोग भागेगा, क्या बन जाएगा, अब सारी न बन जाएगा, चलिए यहाँ ध्यान दे, तो वैसा किरण पुंज, वैसा जो एक दूसरे का समांतर चलता हो, जो एक दूसरे के जो एक दूसरे के, देखो एक दूसरे समांतर चल रहा है ना, समांतर चल रहा है ना, कहीं मिल रहा है नहीं, तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे का समांतर चलता हो, एक दूसरे का समांतर चलता हो, समांतर चलता हो, समांतर किरण पुंज कहलाता है, दिखाई दे रहा है ये वाला जो लिख रहे हैं, समांतर किरण पुंज, ये लंगे नहीं दिखा रहा है, उतना होशियार है वो लोग, तुम लोग ऐसे बुर्बक ना, उतना लिख लेगा समांतर किरण पुंज कहलाता है, चलो बट यही सिर्फ नहीं दिखाई दे रहा है, यही नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, तो लिख लेगा अपने समांतर किरण पुंज कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है, कहाँ ना दिखाई दे रहा है, अब यहाँ देख, यहाँ कहाँ तक दिखाई दे रहा है रे बंदर, यहाँ कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, देख तो यहाँ तक, ना चलो हटा।
चलिए आने अंदर। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम क्या बोलेंगे अपसारी किरण पुंज में, इसे बोलेंगे वैसा किरण पुंज, वैसा वैसा सिंपल बात है, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फल गया है, एक बिंदु से निकल कर फल गया है, तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज वैसा जो एक बिंदु से निकल कर, जो एक बिंदु से, जो एक बिंदु से, जो एक बिंदु से निकल कर, निकल कर फैलते चला जाती है, फैलते कहलते ना समझ, ए बंदर शांत रहना तुम लोग रे, फैलते चला जाती है, फैलते चला जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अरे बंदर ना अवैध कह बकता है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है, कोई दिक्कत है, समझ आ गया अच्छा से, अच्छा समझ गया तो अच्छा से, हम छाप पहले लिखना है क्या, ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, फिर तीन लाइनें बांटना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये पिक्चर बनाना है, और पिक्चर के जस्ट नीचे ये लिखना है, फिर पिक्चर के नीचे ये लिखना है, पिक्चर के नीचे ये लिखना है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ प्रॉब्लम तो है कौन सी तुम लोग को, चलिए यहाँ ध्यान दे, इसमें अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, तीनों को दिक्कत है, तुम लोग को यूट्यूब को दिक्कत है, तो यूट्यूब ही हाँ, चलिए ध्यान दे, और कमेंट वा करा है ना, कमेंट वा करते, चलिए ध्यान दे, फोन ना करते, अब फोन नंबर थोड़े ले, व्हाट्सएप नंबर ले, अब फोन कर भी तो उठेबो नहीं करे, दूसरे को उठाते, ओह शांत रह, अब पढ़ना है वस्तु के प्रकार, पहले पढ़े थे कौन सी वस्तु का प्रकार, प्रकाश के उत्पन्न के आधार पर प्रदीप्त और प्रदीप्त, अब पढ़ना है वस्तु के प्रकार, प्रकाश को आर पार होने के आधार पर, ठीक है ना, यानी कितना प्रकाश आर पार हो रहा है, कोई कोई वस्तु रहेगा बोलेगा खबरदार हम प्रकाश को पार होने नहीं देंगे, कोई बोलेगा ले पार हो जो, कोई बोलेगा पूरा पार हो गए नहीं, तो वो धीरे धीरे पार हो, होगा ना, तो वस्तु का प्रकार, वस्तु का तो पढ़ना है वस्तु का प्रकार किसके आधार पर, तो प्रकाश के आर पार होने के आधार पर, प्रकाश के आर पार किसके आधार पर, तो प्रकाश का, प्रकाश का आर पार, आर पार मतलब समझता है ना, आर पार मतलब आगे पीछे, आर पार मतलब घर में घुस गया दरवाजे पास फिर निकल गया, आर पार प्रकाश का आर पार होने के आधार पर, प्रकाश के आर पार होने के आधार पर, प्रकाश के आर पार होने के आधार पर, एक पढ़ाए थे वस्तु के प्रकार बताए थे कि प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर दो प्रकार प्रदीप्त और प्रदीप्त, अब हम क्या बोल रहे हैं वस्तु के प्रकार, प्रकाश का आर पार होने के आधार पर, तो तीन प्रकार, कितना प्रकार, कितना प्रकार, तीन प्रकार, कितना, ठीक है ना, कितना तीन, ठीक है ना, पहला बोलेंगे पारदर्शी, क्या बोलेंगे, पहला क्या बोलेंगे, पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, फिर होता है पारभाषी, क्या होता है, पारभाषी, क्या होता है, पारभाषी, क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, क्या बोलते हैं, चौथा होता है अपारदर्शी, क्या होता है, क्या होता है, अपारदर्शी, इसको भी समझाएंगे बहुत अच्छा सा एग्जांपल देख, अपारदर्शी, अपारदर्शी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ओपेक्यू, क्या बोलते हैं इंग्लिश से, क्या बोलते हैं ओपेक्यू, क्या बोलते हैं ओपेक्यू, क्या बोलते हैं, अब यहाँ ध्यान दे, कहेगा बता पारदर्शी क्या उल्टा शब्द क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, अब बंदर कहेगा पारदर्शी का उल्टा शब्द अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी का उल्टा शब्द, यानी ये जो काम करेगा वो काम, ये काम वो नहीं करेगा, यही हुआ ना, ये कहेंगे हम खरमा खाइबो तो ये कहते खरमा उल्टा, मतलब ये अनुवार है उल्टा काम करना, उल्टा काम, तो ये जो काम करेगा वो काम वो नहीं करेगा, और ये जो काम करेगा वो काम ये नहीं करेगा, ये पारभाषी जो है ना ये बेचारा को कहता है कि हम की करें, तो ये दोनों बोलता है कि थोड़ा तो हमार काम कर दे और थोड़ा हमार काम कर दे, इन दोनों करेगा थोड़ा थोड़ा, पूरा ना थोड़ा थोड़ा, समझ रहा है ना, यानी बीचा में बैठ जाएगा थोड़ा इसका थाली बस खा लेगा और थोड़ा दूसरा थाली बस खा लेगा, ये बीचा वाला, ठीक है ना, अब देखना पारदर्शी क्या बोल रहा है,
पारदर्शी, क्या बोल रहे हैं? पार मतलब कौन चीज? दर्शी मतलब दिखना, दर्शी मतलब किधर दिखना, पार दिखना, किधर दिखना, यानी आर पार दिखना। तो जिससे होगा प्रकाश आर पार हो जाए, अरे प्रकाश आर पार होगा तो ना आर पार दिखेगा। तो दर्शी मतलब दिखना, दर्शी मतलब किधर दिखना, पार दिखना, किधर दिखना, किधर दिखना। चश्मा लगा लो, क्या लो, तो चश्मा पारदर्शी को पारदर्शी है, चश्मा पारदर्शी है ना, तो ना पार दिख जाता है। ऐसे पारदर्शी अगर नहीं होता तो पार दिखता क्या? तो पारदर्शी मतलब क्या हुआ कि जिसके आर पार प्रकाश पार हो जाए। जब प्रकाश पार होगा तो हम लोग को दिखेगा भी। अपारदर्शी वो मतलब पार मतलब पार ना हो, वो मतलब नहीं पार नहीं पार दिखे, दर्शी मतलब दिखे, वो मतलब नहीं पार मतलब पार, समझ रहे हैं? पार मतलब आर पार, पार मतलब दर्शी मतलब दिखे, दर्शी मतलब तो नहीं आर पार दिखे, उसे अपारदर्शी कहेंगे। जब आर पार नहीं दिख रहा है, यानी आर पार प्रकाश पार नहीं हो रहा है, तुमने नहीं दिख रहा है, ये बोलेगा हमें की करियो, तो ये कहेगा दोनों तो करबो, यानी बीचे में, कौन सी में, ना तो अच्छा से पार होगा, ना तो अच्छा से आर पार होगा, मतलब ये मतलब जितना इसमें पार होगा उतना इसमें पार ना होगा, और जिस ये पूरा रोक लेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पार होगा, समझ अच्छा से। पारदर्शी क्या बोले थे? ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो तुम लोग क्या है, ये स्कूल है, कौन सी है, स्कूल का एग्जाम्पल देते हैं बार बार, ठीक है ना। स्कूल में कौन सी कमरा, अरे रूम ना रहता है, क्लास है ना, हो गया, ये सब कौन सी है, मतलब ये सब क्लासरूम है, क्या है, क्लासरूम है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग स्कूल आ गया, सब स्कूल चल गया ना, स्कूल सबको पहुँचा देते हैं, चल स्कूल तुम लोग को पहुँचा दिए, सब स्कूल आ गया, सब स्कूल आ गया सब स्कूल पहुँच गया अंदर, स्कूल सब पहुँच गया, स्कूल पहुँच गया तुम लोग, हाँ अब स्कूल पहुँच गया, क्या पहुँच गया, स्कूल पहुँच गया, स्कूल आ गया ना, कोई प्रॉब्लम, अब स्कूल आ गया तो यहाँ पहुँचे, मान लो सब पढ़ने जाएगा सब क्लास में, नहीं जाएगा पढ़ने क्लास में, ये दरवाज़ा है, क्या है ये, क्या है दरवाज़ा, ये सब क्या है, दरवाज़ा, दरवाज़ा रहेगा ना, ये सब क्या है, दरवाज़ा है, क्या है, इधर खिड़की बना देते हैं, खिड़की बना दें, खिड़की बना दिए, और खिड़की में छर लगा रहता है, ऐसे नहीं रहता छर लगा, सब में खिड़की बनाते हैं, सब में कितने बनाएंगे, एक आगे बना देते हैं, ठीक है ना, ये खिड़की हो गया, क्या हो गया, अब बताओ तुम लोग स्कूल पढ़ने गया है, स्कूल तो स्कूल पढ़ने गया तो दरवाज़ा से तुम लोग खुला रहेगा, जब तक दरवाज़ा खुला रहेगा तब तक आराम से कैसे करता है, टीचर बना टीचर ना रहता है अथी में क्लासरूम में, तो तुम लोग क्या करता है, दरवाज़ा से होकर कभी रूम अथी कभी क्लास में जाएगा, कभी क्लास से बाहर, कभी क्लास में कभी क्लास से बाहर, यानी आर पार हो रहा है ना, ना हो रहा है, तो हम दरवाज़ा से क्या होते हैं, आर पार हो रहा है ना, तो अगर हम आर पार हो जाएँ पूरा शरीर भी आर पार हो जाए, कि मतलब पैर रख देता है, कहता हम आते हैं इस तरह करता है कि, तो दरवाज़ा से हम क्या करते हैं, क्लासरूम में जाते हैं फिर क्लासरूम से बाहर, क्लासरूम में जाते हैं फिर क्लासरूम से तो दरवाज़ा से हम क्या हो रहा है, आर पार हो रहे हैं, क्या आ रहा है, तो जहाँ आर पार हो जाए से पारदर्शी कहते हैं, जहाँ आर पार हो जाए से पारदर्शी। अब क्या करेगा, टीचर आ गया रूम में, क्या हो गया, और टीचर भाई देखा तुम लोग बड़ी बदमाशी कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है क्या किया, सब कुछ बंद, टीचर भाई जब बाहर जाने लगा तो सब कुछ पूरा रूम में दिया बंद कर, पूरा रूम में दिया, दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तुम लोग देखा खिड़किया खुला है, खिड़किया खुला है, लेकिन खिड़किया से तुम लोग बाहर निकलना चाहेगा तो निकल पाएगा निकल जाएगा, अरे छर लगा, छर टूटा रहेगा तभी ना, तो निकल पाएगा ना, तो तुम लोग को कितना सही बाहर निकलेगा, तो खिड़की हम लटक जा, खिड़की हम लटक जाओ, ऐसा पैर बाहर कर दो, हाथा बाहर कर दो, तो आधा निकला है, पूरा निकल पाया, तो जिसमें आधा आधा पार हो उसे क्या बोलेंगे, यानी खिड़किया से तुम निकलने की कोशिश करेगा तो पूरा शरीर बाहर निकल पाएगा, कुछ ही निकल पाएगा, दोनों हाथा निकाल देगा, दोनों पैरवा निकाल देगा, तो आधा निकला है, तो जिसमें आधा आधा हो यानी थोड़ा थोड़ा हो, क्या हो, वो क्या हो गया, पारभाषी, क्या हो गया, तो खिड़की से निकलेगा तो क्या हो गया, पारभाषी, क्या हो गया। अब क्या टीचर भाई देखा कि खिड़कियों जब खुला रहते तो बदमाशी कर रहा है, पैरवा आता किसका निकल गया कंकाल ऐसा, हाँ टीचर भाई करेगा कौन चीज़ रुका, अब बाहर जाएंगे तो खिड़कियों बंद कर देंगे, कौन सी कर देंगे, अब बाहर गए तो खिड़कियों बंद, कौन सी बोल गया, जितना भी भुड़की बिलका था या जितना भी दरवाजा था जितना भी खिड़की सब बंद कर दिया, कौन सी कर दिया, अब बता कहाँ से बाहर निकलेगा, थोड़ा सा ही बाहर निकल पाएगा तो कौन सी बन गया, अपारदर्शी, क्या बन गया, समझ आ गया, जिससे आर पार हो जाए पारदर्शी, जिससे थोड़ा थोड़ा पार हो जैसे खिड़किया में पारभाषी, जिससे बिल्कुल ना आर पार हो अपारदर्शी, कोई दिक्कत है, दरवाज़ा से आर पार हो रहा है पारदर्शी, दरवाज़ा बंद कर दिए खिड़किया से पैर बाहर घुसा दिए बकरोल जैसा,
पारभासी थोड़ा हुआ ना। अरे ऐसा भी नाम बंद कर लिया, खिड़की दरवाजा भुरका बिरकी सब बंद कर दिए, थोड़ा सा भी नहीं पार हो रहा है और पारदर्शी को दिक्कत है तो क्या बोलेंगे पारदर्शी हम क्या बोलेंगे कि वैसा पदार्थ वैसा जिससे प्रकाश पूरा जिससे प्रकाश आर पार हो सके जिसके प्रकाश जिससे प्रकाश वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से पूर्ण आर पार हो सके उसे पारदर्शी कहेंगे। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार ना हो सके बिल्कुल आर पार उसे अपारदर्शी कहेंगे। वैसा प्रकाश जिससे सॉरी वैसा प्रकाश बोल दिए वैसा पदार्थ वैसा जिससे प्रकाश थोड़ा 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 पूरा ना है। ऐसे तुम लोग बच्चा में खेलता होगा ना अथिया क्या कुछ खेलता होगा चोर पुलिस वो अथिया गमछे बन के नहीं खेलते थे ना ऐसे ऐसे और के नहीं खेलते थे तो उसमें थोड़ा थोड़ा पार होता है पूरा पार हो जाता है थोड़ा थोड़ा दिखा देता है ना कि पूरा दिखा देता है थोड़ा थोड़ा दुल्हन नहीं दिखा देता है तो क्या है पारभासी क्या यानी कपड़ा में जो छोटा छोटा छेद रहता है उसी से दिखाई देता है तो क्या हो गया पारभासी क्या हो गया। अब मथुआ मारता था तुम लोग को पकड़ लिया तो वही चोर ना होता था तो वही है यहाँ ठीक है ना। पारदर्शी पारभासी पारदर्शी समझ गया एक है एक है यह छोटुआ एक है छोटिया अगर ये छोटुआ ये छोटिया ना तो तुम लोग हो गए छोटुआ और वो लोग कौन सी हो गए छोटिया तुम लोग को कह दिया टकला आपको तुम लोग कौन सी है छोटुआ टकला छोटुआ चलिए आ जाए ला मिटाने वाला मिटाने वाला चलिए आ जाए समझ गया कोई दिक्कत दिक्कत ना है ना तो लिख दें फटाफट लिख दें चल क्या बोलेंगे लिखेंगे इसमें ए बंदर यहाँ समय पहले यहाँ दिमाग में डायरेक्ट डाउनलोड कर ले और तुम लोग भी डाउनलोड कर ले ठीक है ना। वैसा पदार्थ वैसा वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो सके पूर्ण रूप से आर पार हो सके आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब तुम लोग कभी जिंदगी में भूलेगा कि तो कैसे भूलेगा मरने के बाद छड़ियाने अंदर तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो सके क्या कहेंगे पारदर्शी क्या कहेंगे अरे पगली यहाँ ध्यान दे तीनों अगले गीत गाने में लग गए पारभासी में क्या बताए थे वैसा पदार्थ जिससे होकर थोड़ा 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 क्या वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो थोड़ा 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 आर पार हो आर पार हो उसे क्या कहेंगे उसे पारभासी कहते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत हाँ उसमें ये कहेगा बिल्कुल नहीं खबलदार क्या बोलेगा एकदम पार हुआ तो खबलदार टेंगड़ी तोड़ देंगे ये नहीं बोलेगा इसमें क्या बोलेगा वैसा पदार्थ वैसा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार ना हो सके बिल्कुल आर पार नहीं हो सके नहीं हो सके उसे अपारदर्शी कहते हैं अपारदर्शी कहते हैं अपारदर्शी। अब एग्जांपल लिखना है क्या लिखना है बता पारदर्शी बता पानी सफा पानी हम बोल रहे हैं एक गंदा पानी होता है ना होता है ना होता है ना होता है रे तो बता सफा पानी कौन सी है पारदर्शी है या पारभासी है या अपारदर्शी है जल्दी सफा पानी आराम से पास ऊपर दिखता है नहीं दिखता है तो इसमें क्या होगा सफा पानी क्या होगा जैसे क्या लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं तो क्या होगा सफा पानी क्या होगा सफा पानी सफा अच्छा इसमें क्या होगा थोड़ा गंदा पानी थोड़ा गंदा रहता तो थोड़ा थोड़ा दिखता है ना दिखता है नहीं तुम मछलियाँ मारता है तो थोड़ा गंदा रहता तभी दिखता है लगो जब कुछ जाप है ना दिखता है तो थोड़ा गंदा पानी थोड़ा गंदा पानी इसमें आ जाएगा ना आएगा ना आएगा थोड़ा गंदा पानी ऐसा इसमें पूरा गंदा पानी
पूरा गंदा एकदम बिल्कुल ना दिखे, ठीक है ना, यानी ना पूरा कचरा एकदम फैला हो, ठीक हो, ठीक है ना, पूरा गंदा पानी, पूरा गंदा पानी, यही होगा ना इसमें, ना होगा इसमें, क्या होगा, कांच, क्या होगा, कांच, क्या होगा, कांच, कैसा कांच, तो घिसा हुआ नहीं, एकदम पूरा चमचम करे, पूरा क्या करे, कांच, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, तो थोड़ा घिसा हुआ कांच, थोड़ा यानी घिसा हुआ कांच, कस्बा लिए ना, चश्मा लिए, चश्मा पहन लें तो घिसल है ना, चश्मा क्या है, कांच क्या है, तो पूरा एकदम हीरो दिख रहा है ना, दिख रहा है, अब कोई बुतलू उतलू लिया थोड़ा लगड़ दिया, अब क्या पीनेगा, क्या दिखेगा, हाँ अब हीरो दिखेगा कि अथी गुंडा ऐसा दिखेगा, तो थोड़ा धुंधला दिखेगा ना, तो घिस, तो घिसा हुआ कांच कौन सी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, पूरा पार हो पाएगा, पूरा जिस तरह पहले क्लियर दिख रहा था उससे दिखेगा, इसमें वो घिसा हुआ कांच, क्या होगा, घिसा हुआ हुआ कांच, घिचा हुआ, अच्छा इसमें कौन कांच होगा बता तो, हाँ एकदम खत्म लिख दिया, अरे इसमें लिख देंगे पेंट किया हुआ कांच, अब कांच पर हम पेंट कर देंगे तो कुछ दिखेगा, हाँ ऐसा अनमा में पेंट रहता है तो ऊपर दिखता है कि, तो क्या दिखने लगता है, हाँ तुम्हारा मुँह दिखने लगता है, क्लियर है, क्लियर ही है, यहाँ दिखने लगता है, तो इसमें क्या होगा, पेंट किया होगा, क्या होगा, आए कर ले, मतलब तुम लोग सब ले लो, यहाँ ले, पेंट किया हुआ कांच, पेंट किया हुआ ना होगा, पेंट किया हुआ, अरे दिखाई दे रहा है उसमें, मोबाइल में दिखाई दे रहा है ना, पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, पेंट किया हुआ कांच को प्रॉब्लम, उस पर यहाँ चश्मा भी लिख दे सकते हैं ना, लिख सकते हैं, चश्मा नहीं लिख सकते हैं, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, यहाँ नीचे नहीं जाना है, यहाँ नीचे नहीं जाना है, सब ले ला, चलिए चश्मा, क्या लिखेंगे, चश्मा नहीं लिख सकते हैं, एकदम पूरा क्लियर दिखता है, एकदम हीरो ऐसा दिखता है ना, दिखता है, मेरा हीरो है तुम लोग, यहाँ ले चश्मा, उस पर का हवा लिख सकते हैं, हवा, अरे हवा नहीं लिख सकते हैं, हवा लिख सकते हैं ना, हवा में बता, हवा तो पूरा भरा हुआ है लेकिन प्रकाश तो आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है हवा में देखने की, अरे हवा में कोई देखने में प्रॉब्लम होता है, सर तो हवा भरा लेकिन देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसी प्रकार प्लास्टिक भी हो जाएगा, कौन प्लास्टिक, पेंट वाला ना एकदम पूरा क्लियर प्लास्टिक, ठीक है ना, हो जाएगा, तो जिसमें आर पार दिखे वह पारदर्शी, पारभाषी क्या होगा, उसी प्रकार हो जाएगा कुहासा, कुहासा में देखते हैं ना, पूरा दूर तक एकदम क्लियर दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है कि लगा भूत है कि आदमी है, ना दिखता है, अरे बहुत दूर में था तो पता चलता है कौन है, हाँ कौन है पता नहीं चलता है, सो लेता तुम लोग कौन चीज़ है, हाँ चुड़ैल, चुड़ैल सोच लेता है कि चुड़ैल, तो कौन चीज़ होगा, कुहासा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, कुहासा, क्या हो जाएगा, कुहासा, फिर बादल, बादल में भी देखो थोड़ा थोड़ा पास ऊपर दिखता है, तब ना सूर्य का प्रकाश जो है बादल से भी थोड़ा 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 आ जाता है ना, आता है, बादल रहता भी है तब ना सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आ जाता है, तो कि पूरा आ जाता है, जब बादल रहता है तो सूर्य का प्रकाश पूरा पहुंच पाता है ना, पहुंच पाता है तो बादल भी हो जाए, क्या जाएगा, अरे बादल के बदली, बादल कौन सी हुआ, पहले उतार ले, देखा अच्छा, उसका सब अभी हम इलाज कर देते हैं, अभी तो भर्ती होगा तुम, बादल कौन सी हो जाएगा, बादल कौन सी हो जाएगा, बादल ना होगा, बादल उस पर पलक, क्या हो जाएगा, तुम्हें बच्चा में गिनता होगा ऐसे करके, एक दो तीन चार पाँच छः करता होगा और टुकड़ टुकड़ थोड़ा थोड़ा देखता होगा, देखता होगा ना, देखता होगा, तो पलक में भी क्या होगा, झूठे तो ऐसे कर लेता होगा, और थोड़ा थोड़ा देख रहा है ना, देख रहा है, तो सब कहते आँख का पलक, क्या जाएगा, आँख का पलक ऐसे कर लेते, थोड़ा थोड़ा दिखता है, दिखता है ना, तो क्या जाएगा, आँख का पलक, बच्चा में तो बहुत बेईमानी किया, आँख का पलक, आँख का पलक हो गया ना, दूध भी जो है ना, दूध भी थोड़ा पारभाषी है, कौन सी है, कैसे पता चलेगा दूध पारभाषी है, तो देखो दूध में कुछ काला चीज गिरा दो, तो बारह देखेगा, तो लगेगा यहाँ पर कुछ है, नहीं लगता है, काला से नहीं दिखता है, तो दूध भी हो जाता है, क्या हो जाता है, दूध भी हो जाता है, थोड़ा कौन सी, दूध भी क्या जाएगा, पारभाषी, कोई प्रॉब्लम, अब अपारदर्शी, अपार इसमें तो जिसको लिखना लिख दे, कोई दिक्कत, जिसमें ना लिखे से हाथ, हाथ में दिख रहा है, ऐसा मुँह लगा दिख रहा है, कॉपी, कलम, किताब, घर, द्वार, गधा, बैल, चप्पल, जूता, ईटा, पत्थर, जिसमें ना दिखे सब लिख दे, सब हो जाएगा, इसमें ना हो जाएगा, होगा इसमें, जिससे हमको ना दिखे, जिससे हमको, जिसमें लिख सकता है, इसमें जितना लिख सकता है, इसमें ना लिखाते हैं, लिखाते हैं कि इसमें तो भरा है, इसमें ना है, इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज, ले सकते हैं, कागज में तेल लगा दे, ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन कागज में तेल लगा दे, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, दिखेगा थोड़ा थोड़ा, इसमें ले सकते हैं हम, क्या
किसमें? पारभाषी में, किसमें? तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज लिख सकते हैं, तेल लगा हुआ। इसमें जितना भी जो लिखना लिख दे, किताब, कॉपी, पत्थर, ईटा, लकड़ी, ठीक है ना, जो लिखना है इसमें लिख दे, कोई दिक्कत? दीवार, घर, गधा, बकरी, जो लिखना है इसमें लिख दे, जिससे दिखे ना। इसमें हो जाएगा, किसमें? अपारदर्शी में। कोई प्रॉब्लम है? समझने को प्रॉब्लम? अब जिंदगी कभी भूलेगा? मानस कभी, मानस पहले कभी भूलेगा? मानस पहले का यमराज के पास भी जाएगा मरने के बाद, तो यमराज को भी सुना देगा? नहीं सुना देगा यमराज के, तो यमराज फिर भेज दे तो तेरा, ठीक है ना? चल लिख। चल हो गया सबका। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, यहाँ तुम लोग भी ध्यान दे, यूट्यूब वाला, यहाँ थोड़ा है लिखल, घोड़ा ना पढ़ लेना। क्या? थोड़ा गंदा पानी, घोड़ा गंदा पानी नहीं, थोड़ा गंदा पानी। तुम लोग को एक चीज़ बताना है कि हम लोग का आँख, बता आँख में जो लेंस लगा हुआ है वो क्या है, पारदर्शी है या पारभाषी है या अपारदर्शी है? जल्दी बताओ। पारदर्शी। आँख में जो लेंस लगा हुआ हम लोग का आँख में ना है, तो कौन सी है? पारभाषी। पारदर्शी है तब नहीं पर ई पार से ऊपर देख रहे हैं। अगर पारदर्शी नहीं रहता तो प्रकाश अंदर जा पाता? अंदर नहीं जा पाता तो हम देख पाते हैं? तो आँख का भी जो लेंस है वो क्या है? पारदर्शी। क्या है? अच्छा, जो मोबाइल का जो लेंस है, ये कैमरा दिख रहा है ना तुम लोग, यूट्यूब वाला दिख रहा है ना कैमरा, ये कैमरा कौन सी है? पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? पारदर्शी है तब नहीं दिख रहा है। अरे पारदर्शी नहीं तो दिखता? तो ये मोबाइल का लेंस भी क्या है? पारदर्शी। क्या है? इतना कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बताएंगे बेटा। थोड़ा देर तोरो वीडियो बाएगी लेकर। अब की पढ़ना? अब पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो चैप्टर का नाम यही ना, प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बता प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होता है, पहले बता तुम लोग। परावर्तन मतलब क्या होता है? एक बंदर का क्या परावर्तन मतलब होता है? टकराकर लौटना, टकराकर लौटना, टकराकर लौटना, टकराकर लौटना। तुम लोग को इधर उधर से उधर धकेल दिए, दीवार में टकराएगा, दीवार में टकराएगा ना, और उधर से इधर आएगा तो कौन सी होगा? होगा तुम्हारा परावर्तन, तुम्हारा, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसा हम गेंद लिए, क्या लिए? गेंद लिए, धरती पर मारे तो वहीं रह जाएगा कि वहीं रह जाएगा? टकरा के लौटेगा तो क्या होगा? गेंद का परावर्तन, गेंद का परावर्तन। तुम लोग को अगर पटक के पटक दिए, अगर तुम लोग ऊपर आ जाएगा तो कौन सी हुआ? गधा के परावर्तन। तुम लोग गधे ना रे, गधा के परावर्तन। अगर मान ले फुटबॉल लिए, फुटबॉल को उधर से दीवारें मारे, उधर से फिर इधर आएगा, लौट गया ना, तो लौट गया तो परावर्तन, लौट गया तो किसका परावर्तन? फुटबॉल का, फुटबॉल का परावर्तन, फुटबॉल का। मोबाइल में जो ये लोग यूट्यूब वाला देख रहा है, इसको मारे दो थप्पड़ मारे अगर लौट के हम मेरे पास पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन, मोबाइल वाला का। उसी पर उसी पर तुमने सुना होगा धोनी के बारे में, सुना धोनी के बारे में? एक बार कहीं पर तुम्हें करता होगा, एक बार कूँ करता होगा तो उधर से आवाज़ टकरा के लौटता होगा, लौटता होगा ना? नहीं लौटता। अरे धोनी कहीं तुम जाएगा पहाड़ वहाड़ में जाएगा तो कुछ वहाँ पर तुम चिल्लाएगा ना, तो उधर से फिर आवाज़ लौटता है, लौटता है ना? तो कौन लौटा वहाँ पर? धोनी लौटा। तो धोनी का परावर्तन, धोनी का परावर्तन, धोनी का परावर्तन, समझ गया ना? तो गेंद टकरा के लौटा तो गेंद का परावर्तन, फुटबॉल टकरा के लौटा फुटबॉल का परावर्तन, धोनी टकरा के लौटेगा तो धोनी का परावर्तन, तुम लोग को उठा के बजा देंगे तुम लोग लौट जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारा परिवर्तन। उसी प्रकार प्रकाश के टकरा के लौटेगा तो प्रकाश का, समझ आ गया? उसी प्रकार प्रकाश टकरा के लौटेगा तो प्रकाश का। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश टकरा के लौट गया तो प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे कहेंगे? तो बोलेंगे प्रकाश का, प्रकाश, प्रकाश का प्रकाश किसी सतह, किसी किसी सतह से टकरा के लौटना, किस सतह से टकराने वाला रहना चाहिए? कोई सतह रहना चाहिए? ऐसे गेंदे हम फेंक रहे हैं तो कोई सतह तो रहना चाहिए टकराने वाला? नहीं रहेगा तो लौटेगा, लौटेगा। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना क्या कहलाएगा? लौटना। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ तुमको जो देना दे दे, यहाँ दे देंगे धोनी तो जाएगा धोनी का परावर्तन, यहाँ दे देंगे गेंद तो जाएगा गेंद का परावर्तन, यहाँ दे देंगे फुटबॉल तो जाएगा फुटबॉल का परावर्तन, ना हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ देंगे प्रकाश तो क्या प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, अब तुम लोग एक बार बताया, तुम लोग को एक बार बताता हूँ, सोच के बताना है, ठीक है ना? एक बात तुम लोग को बताना है कि सतह जो है यह पारदर्शी होना चाहिए या अपारदर्शी होना चाहिए? सतह जो है ये
जो सतह से जो सतह पर जाकर टकरा रहा है प्रकाश वो पारदर्शी हो जाए, पारदर्शी हो। अरे पारदर्शी सतह अगर रहेगा तो प्रकाश टकरा के लौटेगा कहाँ, तो पार हो जाएगा। पारदर्शी सतह अगर रहेगा तो प्रकाश टकरा कर लौटेगा, वो तो पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रकाश क्या हो? वो पारदर्शी हो, यानी पेंट किया हो। क्या हो? तब टकरा के क्या होगा? लौट जाएगा। नहीं होगा टकरा के क्या होगा? लौट जाएगा। तो क्या जैसे तुम ले ले आईना, कौची ले ले तो आईना के पीछे पेंट किया हुआ है, आईना नहीं दर्पण, पेंट किया हुआ है ना। तुम लोग बच्चा में की करता होगा, आराम से धूपा में से जाकर किसी अखिया पर मारता होगा, मारता होगा। तो यहाँ प्रकाश कहाँ से आया? वहाँ से आया, आया और टकरा के कहाँ गया? किसी का अखिया पर चल गया। तो क्या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दो, अब बता प्रकाश जो है, प्रकाश प्रकाश का भी एक रास्ता है ना। प्रकाश उड़ा सारा तो उसका रास्ता एक ठो है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या है? अभी सारी किरण पुंज है या समांतर किरण पुंज है या समांतर किरण पुंज है? अभी सारी किरण पुंज है या अपसारी किरण पुंज है या समांतर किरण पुंज है? सूर्य का जो प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश नहीं, हप बंद कह वो फैल फैल रहा है एक बिंदु से, वो तो पृथ्वी से भी बड़ा है। सूर्य कौन चीज है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 100 यानी 109 गुना पर 109 को पृथ्वी उठा के सूर्य पर रख देगा तब वो उतना बड़ा होगा। 109 पृथ्वी बराबर एक सूर्य, समझ रहा है ना। तो वहाँ प्रकाश आता है समांतर, कहाँ आता है? समांतर हर जगह आ रहा है ना, देख रहा है हर जगह आ रहा है ना, समांतर आता है। क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश क्या है? समांतर। क्या है? समांतर किरण पुंज। क्या है? अब तुम लोग बता, तुम लोग तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? प्रकाश जोन पथ से प्रकाश का भी रास्ता होता है ना। टॉर्च मारेंगे हम इधर तो किधर चल जाएगा? इधर चल जाएगा कि? तो उसका भी एक रास्ता है कि यही रास्ता में जाएगा, यही रास्ता में जाएगा ना। तो प्रकाश का भी एक रास्ता है, प्रकाश का भी क्या है? एक रास्ता है। तो प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, प्रकाश जिस रास्ता से होकर उसे प्रकाश आलेख कहते हैं। उसे प्रकाश नींद आ रहा है, उसे प्रकाश आलेख कहते हैं। उसे प्रकाश और जैसे मान लो गेंद हम फेंके, गेंद क्या किया? फेंक दिए। तो गेंद जिस रास्ता से गया उसे बोलेंगे गेंद आलेख। क्या बोलेंगे? फुटबॉल लिए, फुटबॉल फेंक दिए, तो फुटबॉल जिस रास्ता से जाएगा उसे क्या बोलेंगे? फुटबॉल आलेख। तुम लोग को उठाए, तुम लोग को फेंक दिए, तो तुम लोग जो रास्ता जाएगा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा आलेख। उसी प्रकार प्रकाश जिस रास्ता से जाता है, प्रकाश जिस रास्ता से उसे प्रकाश का आलेख कहते हैं। प्रकाश का आलेख, प्रकाश आलेख, समझ गया? प्रकाश आलय नगर है, प्रकाश आलेख, प्रकाश आलेख। तो प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, प्रकाश जिस रास्ता से होकर प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, प्रकाश जिस रास्ता से होकर जाती है, प्रकाश जिस रास्ता से होकर होकर जाती है उसे प्रकाश आलेख कहते हैं। उसे प्रकाश आलेख कहते हैं, प्रकाश आलेख कहते हैं, प्रकाश आलेख। अब देख प्रकाश जब टकराएगा कोई अथी से, कोई भी मान लो कोई दर्पण है या शीशा कुछ लगा हुआ है, देखा दूर से चमकता है, वो चमकता है ना। तो प्रकाश जब टकराएगा किसी चीज़ से तो किधर जाएगा? तो बताना पड़ेगा ना, उधर जाएगा। टकराएगा इधर से तो बल्कि कोई निकल तो प्रकाश किधर जाएगा इसका नियम है। तो प्रकाश किसी पदार्थ से टकरा कर, ठीक है ना, जिधर परावर्तन होता है, तो जो नियम से परावर्तन होता है, जो नियम पालन करके परावर्तन, कोई नियम तो पालन करेगा ना, कोई नियम पालन करेगा ना। इन्हें कि टकराया इधर तो चल जाएगा उधर, उधर चल जाएगा कि इधर ना आएगा? टकरा रहा है इधर तो आएगा किधर? इस साइड आएगा। इधर आया या इधर आए तो कोई नियम से आता है ना, उसको बोलते हैं प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन का। जैसे देख यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन सी बोलता है? बोलता है कि प्रकाश जितना डिग्री से टकराएगी, जितना डिग्री से, यानी तुम लोग डिग्री समझ आ रहा है? देंगे दो चार्ट, डिग्री समझ आ रहा है तुम लोग को? प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलता है कि प्रकाश जितना डिग्री से टकराएगी, जितना डिग्री से, उतने डिग्री से टकरा कर लौट जाएगी, उतना डिग्री से टकरा कर लौट जाएगी। डिग्री ना समझ आ रहा है? अरे प्रकाश के चुप, प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या हुआ? प्रकाश जितना टेढ़ा से टकराएगी, जितना टेढ़ा से, उतना टेढ़ा से भाग जाएगा, उतना टेढ़ा से, समझ रहा है? डिग्री मतलब यही हुआ कि जितना टेढ़ा से टकराएगी उतना टेढ़ा से, जब जितना झुकेगा, अगर मान लो ज़्यादा झुक के टकराया, जैसे देखें यहाँ पर आया, यहाँ टकराया, इतना झुक के टकराया, इतना झुक के, उतना इतना झुक के भाग जाएगा। अगर यहाँ पर ले, इधर से प्रकाश आ रही है, इतना झुक के टकरा रहा है, तो इतने झुक के भागेगा, इन्हें कि ज़्यादा भाग जाएगा, समझ आ रहा है ना। अगर यहाँ पर है, मान लो इतना पर टकराया तो इतने पर भागेगा, इतने पर, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का जितना डिग्री पर आएगा, जितना डिग्री पर, उतने डिग्री पर लौटेगा, जितना डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर, डिग्री मतलब कौन, डिग्री मतलब जितना डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर, इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का
अब प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, कितना नियम होता है याद रखना, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन का भी, तो पहले पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन का, पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, समझ गया ना, जितना डिग्री से टकराएगी उतना डिग्री से जाएगी, उतना डिग्री से जाएगी। माने तुम लोग को दिया एक फैतना मुमज के दिया, तो क्या करेगा तुम उसको, तुम उठेगा उसको तो धीरज धीरज मारेगा कि तुम भी उतने कस के मारेगा, नहीं मारेगा, तो वही जितना से आएगा उतना से कोई तुमको जितना कस के मारा उतने कस के तुम भी मारेगा उसको, नहीं मारेगा, तो वही नहीं है प्रकाश का, समझ आ रहा है ना। चलिए ध्यान दे कि कम कैसे मारेगा, अरे अगर हम मारे तो बसी मार भी, हम मारे तो बसी मार भी, रुक तरह बात करिए, रुक चल यहाँ जान दे, यहाँ पर नहीं मैंने मारा है, तू देखो एक चार दिन तो कस के उकरा देख नहीं मारा है, चल यहाँ ध्यान दे, ओ यहाँ ध्यान दे आप, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम अब ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे, प्रकाश के परावर्तन कब होगा, एक किरण आने वाला होगा, अरे किरण आएगा तब टकराएगा, किरण आएगा तब टकराएगा, कोई भी करेगा तो कैसे टकराएगा, टकराएगा कि एक शादी होगा, शादी में कैसे कैसे होगा, जब लड़का लड़की आएगा तो ना शादी होगा, कैसे हो जाएगा शादी, उसी वक्त उसी वक्त किरण कब टकराएगा, जब आएगा तब आज टकराएगा तो वहीं बैठा रह जाएगा कि जब शादी हो जाता है तब वहीं रह जाता बैठा रह जाता है कि फिर विदा ना होता है, उसी वक्त किरण आएगा फिर टकराएगा और फिर वहीं बैठा रहेगा, नहीं फिर टकरा के लौट जाएगा, टकरा के बराती गया शादी हुआ और शादी होकर फिर लौट गया, नहीं लौटा, उसी वक्त किरण आएगी फिर टकराएगी फिर लौट जाएगी, इसी को बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन, क्या बोलेंगे, ऐसे देखें ना समझ रहा है, ये कौन चीज़ है, मान लीजिए दर्पण है, क्या है दर्पण, मतलब समझ रहा है, अरे आईना, दर्पण मतलब, दर्पण मतलब आईना कर दिए पेंट, आईना कर दिए ये पेंट कर रहे, समझ लें कि यहाँ काटी कर रहा है, काटी नहीं है क्या, पेंट कर दिए, क्या कर दिए पेंट, समझ रहा है ना, देख दर्पण के पीछे पीला आसन पेंट रहता है, पीला आसन तो वह पेंट कर दिए, क्या कर दिए, अब बता, अगर मान लें यहाँ पर है सूर्य, क्या है यहाँ, क्या है सूर्य, क्या सूर्य हो गया, सूर्य हो गया ना, यहाँ से किरण आई, यहाँ से किरण आई, किरण किरण आ गई, तो आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को इसको बोलेंगे आपतित किरण, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समझ आ रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, तो आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, हो गया, अब आ गया, आ गया, अब यहाँ टकरा गया, टकरा गया तो यहीं बैठा रहेगा कि लौटेगा, कैसे लौटेगा, तो जितना डिग्री पर आएगा, इतना झुक के आया है, इतना झुक के आया ने, इतना झुक के भागेगा, इतना झुक के, तो अब यहाँ टकरा के क्या होगा, लौटेगा, क्या होगा, लौटेगा, लौट गया, लौट गया, तो आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को और टकरा कर, टकरा कर, टकरा कर लौटने वाले किरण को, नहीं लौट रहा है, नहीं लौट रहा है, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण, ये कौन किरण, ये कौन किरण, परावर्तित किरण, ये कौन किरण, परावर्तित किरण, कोई दिक्कत यहाँ है, यहाँ तो कोई दिक्कत, सिंपल बात, आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाले किरण को, टकरा कर लौटने वाले किरण को, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, कोई दिक्कत, अब एक होता है लंब, क्या होता है, एक क्या होता है लंब, क्या होता है, तो हिंदी को बोलते हैं अति, सॉरी गणित में बोलते हैं लंब, गणित में क्या बोलते हैं, गणित में बोलते लंब, लेकिन फिजिक्स में बोलना रहे तो उसको लंब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे अभिलंब, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसे हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है तुम्हारा, जैसे हम क्या बोलते हैं मैथ में बोलते हैं, मैथ में बोलते हैं त्रिज्या, क्या बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में बोलेंगे उसी को वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो फिजिक्स में कुछ अलग बोलते हैं, ठीक है ना, नहीं बोलता है, जैसे तुम लोग सुना है ना, ऐसे बोला मैथ में पॉजिटिव, मैथ में पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, प्लस, क्या हुआ, प्लस, केमिस्ट्री में पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री में पॉजिटिव, केमिस्ट्री में मतलब, केमिस्ट्री में पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का, और फिजिक्स में प्लस का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स में प्लस का मतलब क्या होता है कि मतलब आगे बढ़ गया, किधर बढ़ गया, ठीक है ना, लेकिन बायोलॉजी में प्लस का मतलब क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, बायोलॉजी मतलब नहीं बोलता था, बोला कोरोना पॉजिटिव, यानी तुम्हें कोरोना बीमारी हो गया, बायोलॉजी वाला प्लस बहुत खराब है ना, अरे कोरोना मतलब कुछ होता है, कोरोना पॉजिटिव यानी कोरोना तुमको बीमारी हो गया, मलेरिया पॉजिटिव यानी मलेरिया बीमारी हो गया, कैंसर पॉजिटिव यानी कैंसर की बीमारी हो गया, तो बायोलॉजी वाला प्लस बहुत खतरनाक है, ठीक है ना, ध्यान दे, जहाँ बोल रहे लम, क्या बोल रहे हैं, तो लम क्या होता है, तो कोई सतह है
उस पर जो 90 डिग्री पर जो डालेंगे वो क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री पर को रेखा खींचे क्या होगा, लंब। क्या होगा, लंब। क्या होगा, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पर रेखा खींचना है, तो 90 डिग्री पर खींचेंगे तो क्या होगा, सीधा होगा टेढ़ा होगा, सीधा होगा, होगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण परावर्तित किरण जोन बिंदु पर है, जोन बिंदु पर वहीं पर एक लंब खींचते हैं, क्या खींचते हैं, लंब। तो देखो सीधा है ना, सीधा है तो कौन चीज़, 90 डिग्री पर है, सीधा है तो कौन चीज़ है, 90, इधर भी 90, इधर भी, इधर भी 90, 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 उस प्रकार इधर भी 90, इधर भी। ये क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। कोई दिक्कत है, इंग्लिश में अभिलंब को बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं, एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल मतलब अभिलंब, नॉर्मल मतलब, यहाँ तो कोई दिक्कत। आपतित किरण आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और अभिलंब तो सतह पर, सतह पर डाले गए लंब को, डाले गए लंब को, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत, सतह ही है ना, सतह पर कहीं भी लंब डाल दे, कहीं भी लंब डाल दे, सतह पर डाले गए लंब को, सतह पर डाले गए लंब को, सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब बोलेंगे आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है ना होगा, आपतन बिंदु, आपतन, आपतन ऐसा लगा पैसा कि मरतुका गया, अब मुरझाए गए पति कह के, आपतन बिंदु, आपतन, तो आपतित किरण, आपतित जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो कौन सी हो जाएगा, ये जो बिंदु है कौन सी हो जाएगा, आपतन बिंदु, आपतन, आपतन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ना है ना, इतना तक कोई दिक्कत है। आपतित किरण यहीं से बात कर ले, आपतित किरण आने वाले किरण को, आपतित किरण आने वाले किरण को परावर्तित किरण, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण, अभिलंब सतह पर डाले गए लंब को, सतह के सतह पर डाले गए, सतह पर डाले गए, सतह पर डाले गए, सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब। कोई दिक्कत, आपतन बिंदु आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत, अरे बंदा छापना बाद में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बोलते हैं क्या आपतन कोण, क्या बोलते हैं आपतन, तो एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, यही बन रहा है ना, तो ई कोण को क्या बोलेंगे, इधर है आपतित किरण, क्या है आपतित किरण है ना, इधर है आपतित किरण तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, क्या बोलेंगे आपतन, इधर है परावर्तित किरण तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, क्या बोलेंगे। कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत है, अच्छा इधर था आपतित किरण इसको बोल दिया आपतन कोण, आपतन कोण यहाँ भी बन रहा है, लेकिन ये कोण का नाम क्या रखें, इसको बच्चा भी होता है उसका नाम रखते हैं ना, तो कोण तो यहाँ भी बन रहा है ना, तो ये कोण का नाम क्या रखें, इधर है परावर्तित किरण तो परावर्तन कोण, कोई दिक्कत। अब बोलेगा तुम लोग आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण, तो आपतन कोण किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान दे, ये कोण ने रखा है आपतित किरण, कौन सी है आई, कौन सी है अभिलंब, कौन सी है उसी के बीच में है। अरे आपतन कोण जो है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, तो आपतन कोण किसके बीच में है, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण है ना, तो बोलेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बोलना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। पूछेगा बता परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसके बीच में है, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब इसी के बीच में है ना, सिंपल बोल दे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई परेशानी, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई परेशानी है। अब बोलेगा कि आपतन कोण को किससे इंडिकेट करते हैं, आपतन कोण किससे इंडिकेट, जैसे कोण बनाना है, कोण को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, करते हैं कोण कैसे करते हैं ना, कोण कैसे करते हैं, ऐसा लिखना है क्या, उसी प्रकार ध्यान ध्यान दे, उसी प्रकार आपतन कोण क्या है, आपतन कोण, तो आपतन कोण को कोण को क्या से निकल करते हैं, तो आई से, क्या से, आई से, क्या करते हैं, तो आपतन कोण यानी आई खाई लिख देंगे समझ जाएंगे, आपतन कोण क्या लिख देंगे समझ जाएंगे, आपतन कोण क्या समझ जाएंगे, आई लिख देंगे क्या समझ जाएंगे, आपतन कोण क्या समझ जाएंगे। और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को कौन से, आर से, परावर्तन कोण को, परावर्तन कोण को, अब तुम लोग बताना है, यहाँ देख पिक्चर आराम से बता, पिक्चर देखना आराम से बताना है, क्या ये दोनों हमेशा बराबर होता है, ना होता है, जितना जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर नहीं जाएगा, तो बराबर ना होगा, ना होगा रे, तो ये दोनों हमेशा क्या होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमेशा,
आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन? हमेशा। कोई दिक्कत? अभी तक क्या पढ़ाए यहाँ ध्यान दे, अभी तक जो पढ़ाए हैं वो ध्यान दे। पहले हम बताए थे कि पर अति यहाँ पर देख, यहाँ ध्यान दे, पहले बताए थे कि आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आने वाले किरण को, आने वाले या टकराने वाले किरण को, टकराने वाले। तो यहाँ बोलना है तो आने वाला सिंपल रहेगा बोलना, तो आने वाले किरण को, आने वाले किरण को, आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को। अब फिर बोले परावर्तित किरण, क्या बोले? परावर्तित किरण। तो टकरा कर लौटने वाले, टकरा कर लौटने वाले, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित। अब आया अभिलंब, क्या आया? तो सतह पर डाले गए लंब, सतह पर डाले गए, तो ये भी सतह पर लंब है। सतह पर डाले गए लंब को, सतह पर डाले गए लंब को, सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर आपतन बिंदु, आपतन। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु। कोई दिक्कत? फिर देखो कौन यहाँ बना है, कौन यहाँ बना, बना ना। ये कौन किसके बीच में था? देखिए आप, ये कौन किधर था, ये कौन था आपतित किरण की ओर, किधर था? तो इसका नाम रखेंगे, तो इसका नाम इसी पर रख देंगे, तो आपतन कौन। ये कौन किधर है? इधर है, परावर्तित किरण के बीच है ना। इसका नाम क्या रखे थे? इसी नाम पर रख दे, परावर्तन कौन, क्या रख दिए? परावर्तन कौन, ठीक है ना। उसी प्रकार आप बोलेंगे आपतन कौन किसे कहेंगे, तो आपतन कौन किसके बीच में है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है। तो सिंपल बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन को आपतन कौन कहते हैं, परावर्तन कौन किसको बोलेंगे। तो परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, इसके बीच में है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कौन को परावर्तन कौन कहते हैं। कोई दिक्कत? और कौन आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन, आपतन कौन बराबर, यानी आपतन कौन यानी आई, परावर्तन कौन यानी आर, यानी आई बराबर आर, आई बराबर आर। हो गया सब, लिखना जरूरी है कि हो गया सबका। तो यहाँ पर इतना कोई दिक्कत है? तब पर लिख दें कि ना, कि लिख लेगा, हाँ क्या, कौन लिखने बोल रहा था? यूट्यूब लग बता देते हैं, क्या बताया था यूट्यूब लग के लिए? तुम लोग के बताया था कि जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग एक नामक चैनल है, इसको तुम लोग को जाकर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। इस पर हम डालेंगे वीडियो, क्लास के रिलेटेड जो कोई भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना होगा इसी पर देंगे, और कुछ मस्ती उस्ती होगा क्लास में तो उसको भी इसी पर डालेंगे, ठीक है ना। तो इसको जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और मेरा फोटो देख कर करना सब्सक्राइब, ठीक है ना। मेरा फोटो में चश्मा लगा रहेगा और कौन चीज़ है कान में, हाँ कान में हेडफोन है, ठीक है ना। उसको देख कर सब्सक्राइब कर लेना है, और तुम लोग को जो बोले थे ये अपने से लिख लेना है, ठीक है ना। जितना बोले थे उसको आराम से धीरे धीरे तुम लोग अपने से लिख लेना है, ठीक है। इसको लिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।